चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म हसीना पारकर पहले 18 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, पर किसी वजह से फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन करके अब 22 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म जिला चंपारण इसी महीने 22 सितंबर को पूरे बिहार और झारखंड में एक साथ रिलीज करने की तैयारी चल रही है। अब इन दोनों फिल्में का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर होने जा रहा है। वैसे तो सिनेमा जगत में दोनों स्टार अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बने हुए रहते हैं, और इनकी फिल्में और फिल्म के गाने रिलीज होते ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ती है तो वहीं कई नए रिकॉर्ड बनाती भी है। श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना पारकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने बेहद ही ज्यादा मेहनत किया है। तो वहीं जिला चंपारण में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ मोहिनी घोष अपोजिट मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही मणि भट्टाचार्य भी इस फिल्म में नजर आने वाली है। एक्ट्रेस मोहिनी घोष का एक ग्लैमरस अवतार जिला चंपारण में दर्शकों को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जिला चंपारण पहले 8 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, पर बिहार में बाढ़ आई की वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट बढ़ाकर 22 सितंबर कर दिया गया है। अब देखना ये हुआ कि श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना पारकर बॉक्स ऑफिस पर चलती है या खेसारी लाल यादव की फिल्म जिला चंपारण बॉक्स ऑफिस पर अपना कुछ कमाल दिखाती है।